वेलकम टू फूडीज। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम बनाएंगे समथिंग स्पेशल, समथिंग हेल्दी। आज वी विल लर्न अबाउट मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायता। आज हम सीखेंगे फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायता, जिसके अंदर पाइनएप्पल रायता रहेगा, पोटैटो रायता रहेगा, कुकुम्बर रायता रहेगा एंड ड्राई फ्रूट। चलिए आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। पाइनएप्पल जो कि बारीक काटा हुआ, हमने चॉप किया हुआ डाइसेस किया था। पोटैटो, इसको हमने बॉईल किया हुआ है और इसको भी हमने डाइसेस के अंदर काटा है। कुकुम्बर, खीरा, इसके हमने सीड्स निकाल के इसकी एजेस को काटा है और इसको भी डाइसेस में काटा हुआ है। असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर हमने कैशू नट्स, आलमंड एंड रेजिंस, इन तीनों को हमने जूनियंस के अंदर काटा है। थोड़ा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, जो हम गार्निश के लिए यूज करेंगे। पिसी हुई शुगर, इसको हम दही को थोड़ा सा मीठा करने के लिए यूज करेंगे। एंड थोड़े स्पाइसेस एंड हर्ब्स, जो कि हम यूज करेंगे व्रत के अंदर, जिसको हम खाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा। चलिए आइए अब सबसे पहले हम अपना पहला रायता बनाएंगे, जो कि है पाइनएप्पल रायता। सबसे पहले हम अपनी कर्ड को लेंगे। कर्ड को हमने पहले फेंटा हुआ है, बिकॉज कर्ड के अंदर क्या होता है, लम्स होते हैं, तो आपका जो रायता है वो स्मूथ नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसको कर्ड को पहले फेंट लिया है और इसको हम निकालेंगे। एक कटोरी में निकालने के बाद आपके पास पाइनएप्पल है, जो कि हमने डाइसेस में काटा हुआ है। सारा पाइनएप्पल हम डाल देंगे, लगाने के लिए बजा देंगे। डालेंगे सेंधा नमक, ये स्वाद अनुसार, काली मिर्च, अच्छा फ्लेवर देता है, कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा रायता जो है मिक्स हो चुका है और अब हम थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि जो दही है बेसिकली खट्टा होता है और जो हमारा पाइनएप्पल है मीठा होता है, तो ज्यादा दही खट्टा होगा तो आपका जो रायता है टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए इसके अंदर थोड़ा शुगर पाउडर डालेंगे, जो स्वीट एंड सार जो है वो बैलेंस रहे। ये भी डालने के बाद एक बार इसे फिर से इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद फाइनली इसको गार्निश करेंगे विद चॉप पाइनएप्पल्स। जो आपका फर्स्ट रायता है वो रेडी हो चुका है, आप उसको व्रत में एंजॉय कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है और आपको एनर्जी भी देगा बिकॉज ऑफ पाइनएप्पल। चलिए आइए हम देखते हैं अब अपना दूसरा रायता, जो कि है पोटैटो। पोटैटो रायता, इसके लिए हमने पोटैटो को बॉईल किया हुआ है और डाइसेस में काटा हुआ है। सबसे पहले हम अपनी दही को निकालेंगे। दही निकालने के बाद इंग्रेडिएंट है हमारा पोटैटो, हम पोटैटो को डालेंगे। आप अपने तरीके से इसको अगर मैश करके डालना चाहते हैं तो आप मैश करके भी डाल सकते हैं। हमने डाइसेस में काटा है। सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, पिंच जीरा पाउडर, जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऐड करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन आप इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट रायता इज कुकुम्बर रायता, जिसके लिए हमने कुकुम्बर को डाइसेस में काट रखा है। कुकुम्बर आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, हमने डाइसेस में काटा है, आप उसको ग्रेट करके यूज कर सकते हैं।
बाद विल ऐड ऊपर्स थोड़े से गार्निश के लिए रख लेंगे. Black pepper, kali mirch, pinch, jeera powder, pinch. इनको अच्छी तरह से mix कर लें. आप रायता को rich करने के लिए इसमें दूध add कर सकते हैं या fresh cream add कर सकते हैं. Fresh cream और दूध इसको thick करेंगे और एक richness भी देंगे. वो एक optional ingredient है, अगर आपको पसंद करने हैं तो आप जरूर डालिए. और कलर एंड टेस्ट दोस्तों. कुकुम्बर रायता इज ऑल्सो रेडी एंड फाइनल लास्ट रायता जो है हमारा वो है ड्राई फ्रूट रायता. ड्राई फ्रूट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप रात में खा सकते हैं. हमने तीन तरीके के ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं. रेजिन्स किशमिश जिसको हम बोलते हैं, आलमंड बादाम एंड कैशू नट्स जिसको हम कहते हैं. ड्राई फ्रूट रायता है वो भी थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर्ट अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसके अंदर भी थोड़ी सी चीनी डालेंगे. ड्राई फ्रूट्स गार्निश में रख देते हैं. हल्का सा सेंधा नमक, काली मिर्च, हमारे चारों रायता रेडी हो चुके हैं. इसको आप एंजॉय कीजिए, व्रत के अंदर खाइए, एक हेल्दी ऑप्शन है. चलिए हमारे अब चार रायता रेडी हैं. आज हमने बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी सीखी है. और अच्छी रेसिपीज जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस. सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन.